सफ़ेद सड़क मैं आपको दिखाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये सड़क जो है हमारे तिरप सकान की सड़क है। हमारे देश भारत आज़ाद होते हुए 75 साल हो गए, फिर भी हम अभी तक इस दुनिया में हम जी रहे हैं। ये जो है सड़क तिरप सकान का, अच्छा से देख लीजिए। अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूँ नानमान जुगली। तो हमारे समाज में अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे ऐसा दुख तकलीफें है जो कि सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो आज हम आए हुए हैं मुंकाम गांव, जहां में तांगसा समाज के लोग यहां में रहते हैं। तो यहां का जो है हमें देखने को मिला, ये लोकेशन जो है जागुन और जरमपुर के बीच में है, जो स्टील वेल रोड जाता है। वहाँ से स्टील वेल रोड से कम 1 किलोमीटर कुछ लगभग है, जो कि हमें ये नदी जो है दिखाई मिलता है। तो यहाँ का जो है लोगों का कहना है कि यहाँ का गवर्नमेंट से बार बार अपील करने के बाद भी जो यहाँ का जो ब्रिज जो है बना नहीं है। 75 ईयर्स होने के बाद भी आज तक यहाँ का जो ब्रिज जो है बना नहीं है। तो उसी तकलीफ से यहाँ का जो स्टूडेंट लोग है, जो बुढ़ा बुढ़ी लोग है, वो बहुत ही परेशानी उनका कहना है। और ये जो है ब्रिज जो है अगर देखा जाएगा तो 40 to 50 meters कुछ लगभग रहते होंगे। ये जो है अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस ब्रिज को आराम से जल्द बना पाता, लेकिन यहाँ का जो गवर्नमेंट ऑफ असम जो है बना नहीं है। इसी को लेके, दुख तकलीफ को लेके 3 सितंबर 2022 को यहाँ जो बाउंड्री इशू को लेके यहाँ में ज्वाइंट कमिटी का मीटिंग हुआ था रंगरिन कान में, उसी समय में भी गांव लोगों का ये कहना है कि हमारा यहाँ में 75 ईयर्स होने के बाद भी आज तक हमारा गांव में डेवलपमेंट किया नहीं है, करंट नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है। इस तरह का बहुत सारे गवर्नमेंट, दोनों असम गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट का जो ज्वाइंट कमिटी थे, उन लोगों का आगे बताया था। तो इसी को लेते यहाँ के जो तांगसा समाज के दुख तकलीफ जो है वो आज हम दिखाने वाले हैं, उनसे हम पूछताछ करेंगे। और यहाँ में जो नाव वाला से भी हमने थोड़े से बातचीत किए थे, उनसे भी उसी को भी हम दर्शकों को तक पहुँचाने के लिए कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो गांव है अगर देखा जाएगा तो ये ब्रिज, ये नदी से इस पार जो है अगर देखा जाएगा तो मुंकाम हो गया, वारा हो गया, होंजू हो गया और तिरप सकान हो गया। ये 4-5 जो गांव हैं बहुत तकलीफ से वो लोग जी रहे हैं। तो हम आज गांव वालों से बात करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए इस विषय में देखते हैं। भैया यहाँ में सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मेरा नाम कामतांग कांबा जी बी मुकाम, और दोनों का, और ये दोनों है ये वारावान का। इनका नाम तुकुंग योंगकुक, इनका नाम डांगयोंग थम्फा, डांगयोंग हाकु बोंगटे। तो और यहाँ में जो आप लोगों का गांव जो है कब स्थापना हुआ? हमारा ये गांव 1973 से है हम लोग, और इसका आगे हम लोग तिरप सकान हंजू वहाँ पे थे हम लोग, माँ पिताजी लोग और हमारे ग्रैंडफादर लोग भी वहीं थे। वहीं से हम लोग ये खेती के लिए, एग्रीकल्चर खेती करने के लिए हम लोग को इधर में आना पड़ा। तो इसी से हम लोग इसी इलाके में आज 1974 से हम लोग यहाँ पे रहे हुए हैं। तो आपने बताया यहाँ में जो है आप लोग जो है होंजू से आए हैं, तो होंजू जो है कब स्थापना हुआ? होंजू जब ब्रिटिश हमारे भारत में नहीं आया था, ब्रिटिश आने का पहले से ही, बहुत दिन पहले से ही ये होंजू बस्ती हम लोग का ग्रैंडफादर लोग, अभी 3 पुरुष 4 पुरुष जैसे हो गया ग्रैंडफादर लोग वहाँ पर थे। और यहाँ में बहुत सारे समस्या है वो के वो बताया, और हमने भी देखा यहाँ का जो ब्रिज जो है बना नहीं है, सड़क बना नहीं है, इस तरह के क्या क्या समस्या है गाँव में? वो समस्या के बारे में अभी आपको नंबर वाइज बताने पड़ेगा। एक नंबर में ये हो गया हम लोग का रास्ता नहीं, रास्ता ऐसा है कि नदी भी एक है, नदी का
नदी के लिए हम लोग को हैंगिंग ब्रिज चाहिए, हैंगिंग ब्रिज नहीं है। और रास्ता जो है हम लोग कच्चा रास्ता में अभी तक चल रहे हैं, जो रास्ता में थोड़ा पत्थर गिरा है हम लोग खुद अपने मेहनत से हम लोग रास्ता में पत्थर गिरा के आज तक चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये भारत 75 ईयर्स अमृत उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारे ये तंगसा बस्ती, ये हंजू या तिरपसकान या हमारा वारा टू मुकाम, ये हम लोग आज तक बहुत तकलीफ में हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ में हमें सुनने को मिला कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, ये जो है आप लोगों ने कुछ दिन पहले कंप्लेन दिया था ये मीटिंग में, जब 3 सितंबर 2022 को जब मीटिंग हुआ था, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है कनेक्टिविटी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये इलेक्ट्रिक के बारे में बताएंगे तो थोड़ा लंबा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग 1985-86 से हम लोग अप्लाई कर रहा है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है असम सरकार से, लेकिन आज तक असम सरकार ने वो हम लोग को यह ध्यान नहीं किया है। जब न कि ये असम का ये मिनिस्टर MLA प्रदीप बोरले था, उसी के समय में हम लोग प्रदीप बोरले को बुलाया ये हम लोग का वारा गांव में, तो वो आके हम लोग को इलेक्ट्रिक नहीं दिया, इलेक्ट्रिक की जगह में सिर्फ सोलर लाइट दिया, वो सोलर लाइट भी 3-4 साल के बाद में ख़त्म। ऐसे हम लोग का प्रॉब्लम वो है इलेक्ट्रिक के बारे में। नेक्स्ट, हम लोग इलेक्ट्रिक के लिए हम लोग बहुत कोशिश किया है, बहुत कोशिश करने के बाद में 2019 नवंबर 2023 ऐसे में हम लोग को इलेक्ट्रिक मिला हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक भी हम लोग खुद गाड़ी लगा के, खुद रुपया पैसा खर्चा करके, खुद हम लोग ने वो इलेक्ट्रिक का पोस्ट जो है हम लोग अरुणाचल से हाथी मंगवाया है, और वो हाथी से हम लोग खिंचवाया है, और हम लोग गाँव का जितना भी लड़का लोग है, जवान लोग है, हम लोग अपने कंधे में वो इलेक्ट्रिक पोस्ट को बुक के हम लोग ये वो इलेक्ट्रिक पोस्ट गाड़ा है, और हम लोग ने काम वो किया है, और सिर्फ लाइन सिर्फ दे दिया है, लाइन दिलाने के लिए भी हम लोग को पैसा बहुत खर्चा करना पड़ा है, जो कि आपका इंजीनियर से ले के MLA से ले के SDO से ले के हम लोग बहुत पैसा भरा है, उसके बाद में ही हम लोग को इलेक्ट्रिक मिल रहा है। फिर भी वो इलेक्ट्रिक में भी अभी 2 नंबर हो रहा है, महीने में हम लोग से 100 या 200 रुपया लेना चाहिए, 2-3 ठो बल्ब जलाते हैं हम लोग, तो उसी में किसी का घर से 600, किसी का घर से 1200, किसी का घर से 2400, ऐसा हर एक महीना पैसा उठा रहा है। ये इलेक्ट्रिक के बारे में भी ऐसा हम लोग का तकलीफ है। और ये जो है हमारा इस इलाका का जो होंजू का प्रॉब्लम है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ आसाम क्लेम कर रहे हैं कि ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जन्म नहीं होने का आगे हमारा ग्रैंडफादर लोग और हम लोग यहाँ पे जन्म हुआ हो कि हम लोग बैठा हुआ है, तो जब फॉरेस्ट रिजर्व बनाने के लिए आया तब हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम लोग को पता नहीं, वो लोग चोरी चोरी से ये काम करके रिजर्व डिक्लेरेशन कर रहा है, और 2020-21 में भी हम लोग को एक नोटिस किया है, ये डिक्लेयर किया है जो कि ये होंजू पहाड़ जो है रिजर्व बनेगा, तो हम लोग ऑब्जेक्शन किया है, ऑब्जेक्शन करने के बाद में ही अभी ऐसे चल रहा है। तो भैया यहाँ में आप लोग का गांव कब स्थापना हुआ, और यहाँ का जो है आप लोग का जो प्रॉब्लम है, लोगों का जो प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? फर्स्ट मैं तो अरुणाचल टुडे के मैं धन्यवाद दी आसो आज आम बस्ती अहार कारण, आम बस्ती प्रब्लेम आज मेनलि आम रोड कनेक्टिविटी, तार पाते আৰু লগতে আমাৰ এইটো কাৰেণ্ট এইটো প্ৰব্লেম আছে, এইটো কাৰণে মানে আমাৰ এইটো যোনটো আমাৰ এইটো উমৰতে ডাঙৰ এইবিলাক আজি আনপৰতে থাকি যোৱাটো বস্তি গাঁৱলীয়া থাকি যোৱাটো এইটো আছে আমাৰ দুখটো এইটো আছে। আৰু ইহা কা জো হে কুছ দিন পেলে আমি বাউণ্ডৰী ইছু কা বাত কৰলে কি ইহা মে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট জো হে আসাম কা, तो वो कहता है कि आप लोग का गांव जो है फॉरेस्ट का अंदर पड़ता है बोल के, तो क्या ये रिजर्व जब हुआ था उसी समय में आप लोगों को पूछा था क्या? ये तो एकदम माने कब गले तो इम्पॉसिबल कथा ऐसे, ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आम बस्ती मानों के सुधा भी ना यहाँ तो कुछ कुछ मत इंटर अफिस तो बहि पे इंटर ये तो मेपिंग कर दिया है, ये तो आम बस्ती मानों कने भी मैंने ये तो गम पा ना ये तो मेपिंग कर। और सवाल जी हमारा ये भी रहेगा कि आप लोग का जो सर्वे होगा बोल के बताया था, तो सर्वे जो अभी तक हुआ है नहीं है?
इतना सार्वे तो हुआ ना यूर मैं आम इतना आम अरुणाचल गवर्नमेंटक ये आम रिकेस्ट करूँ यू सोकाले यू सार्वे कर दिले भाल बोली आम ये रिकेस्ट कर दीदी। यहाँ में आप लोग का मुंगकाम गांव में क्या समस्या है, औरत लोग जितने भी है उसके विषय में बताइए। आज हमारे ये न्यूज लाइव आ दिया कारण मैं बेसि धन्यवाद जानसो। आमार ये प्रब्लेम तो हमें माइकी आम एक नम्बरते हम यू रास्ता घाट कारण आम प्रब्लेम आए कले कले यू जंगल मजते आम पार हमें कष्ट रास्ता बिया और दु नम्बरते हमें आम नदी घाट कारण नदी तो आम ब्रीज ना आम यू नदी पार हो कि जब लगे बारिषाते आम इन कष्ट पाए नाव कारण के नाव नुहक पार हम नारे इने कष्ट पाए तीन नम्बरते हमें आम वमेन मा बिल माइकी डिलीवर समय आम जाने यू नदी रास्ता कारण आम दुख हो कि बेसि प्रब्लेम आसार कारण यू दुख आसते आम सुरू ला छीब स्कूल जाने नारे आम इन कष्ट करे ला छीक आम स्कूल पढ़ा नारे इने कष्ट हो कि आम इन कष्ट पाई थकते आम यू कारेन्ट कारण भी प्रब्लेम आस इतना 2019 आम ब्रीज दी इत भी आम निजर टका फेल किने टका दी किने आम इन कष्ट कर गाय गुरु छागल मुर्गी बिक्री करें लाइन तो ज्वल इतना भी आम लाइन तो आसे हम भी अलग देरी बरखुण दिले लाइन तो कटि जाए आम गरीब दुखिया गाँव घर आज टका पैसा बिल निदिसे कले आम लाइन कटि दिए इने शि पाए यू कारण आज आम इटे आशा करे आम विचार आमार इतना कि मा बाबा आसे डांगरिया जो डिसिशन लैसे आम जगह तो अरुणाचल है आगरपा भी और इतना भी आम इटे सुविधा लम आम आम मा बाबा अरुणाचल आसे आम सुविधा तो लम कने आम आशा कर यहाँ में ये जो है सर्वे अभी तक हुआ नहीं है, तो इस विषय में आप क्या कहने चाहेंगे? यू सार्वे तो आम कैसे कि अहा ना आम गम पाई शुनी पाई इनका कारण यू भी जल्दी सरकार आम अरुणाचल सरकार मरम कर जल्दी आने सार्वेस कर दिले भाई इटे जाना।